चलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे ये यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू बीटा 5x-y प्लस अल्फा जेड इक्वल्स टू 10 एंड 2x+3y-z इक्वल्स टू 6 डिपेंड्स ऑन। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तो यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में डेल जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। डेल क्या होता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं, ये 1 1 1, ये हो गया हमारा 5-1 अल्फा, ये हो जाएगा हमारा कितना 2-3-1, दैट इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 के साथ माइनस, तो ये 1-3 अल्फा, माइनस ऑफ ये लिया तो ये आ गया हमारे पास -5 और ये -2 अल्फा और +1 लिया तो ये 5 15 और +2 इक्वल्स टू जीरो। इसको ओपन कर देते तो ये आ जाएगा हमारे पास 1-3 अल्फा+5+2 अल्फा+17 इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया -α 17 18+23, तो ये 23 इज नॉट इक्वल्स टू, लगा देना है नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ भी नॉट इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 23-α इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 23 नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब अगर अल्फा 23 हो गया तब तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्फा पे ना, इसका मतलब ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड यू वेल, बेस्ट ऑफ लक।